हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न कैसे नाम पड़ा? ठीक है, तो ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको इस लॉ को डिस्कवर किया उसी के नाम पे इसका नाम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पड़ गया। और ये साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। इन साइंटिस्ट का क्या नाम था? थॉमस ग्राहम। ठीक है, और इन्होंने किसके ऊपर डिस्कवरी की थी? ये जो गैसेस है, डिफरेंट गैसेस के डिफ्यूज़न के ऊपर, डिफरेंट गैसेस के डिफ्यूज़न के ऊपर इन्होंने काम किया। और डिफरेंट गैसेस में इन्होंने पाया कि जो लाइटर गैसेस हैं, जो लाइटर गैसेस हैं उनका डिफ्यूज़न क्या होता है? जल्दी होता है। लाइटर गैसेस डिफ्यूज़, लाइटर गैसेस का डिफ्यूज़न क्या होता है? फास्ट होता है। और फास्ट होता है, और जो हैवियर गैसेस हैं उनका जो डिफ्यूज़ है, वो जो डिफ्यूज़ होती हैं वो स्लो होती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ स्टडी किया और जो लॉ बना उसी को ही उन्होंने क्या दिया नाम? ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न नाम दे दिया उसको। ठीक है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। अब ये क्या था, उन्होंने क्या लिया? मान लो उन्होंने टू गैसेस ली। ठीक है, टू गैसेस में क्या लिया? टू गैसेस ले ली उन्होंने, ए एंड बी मान लेते हैं इसको। ठीक है, टेक टू गैसेस, दो गैसेस लिए उन्होंने ए और बी, और उनका जो रेट था आर वन, ए गैस का आर वन रेट था एंड आर टू, दूसरी गैस का जो बी माना है उसका रेट क्या था? आर टू। ठीक है, बी द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, बी द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ टू गैसेस। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ टू गैसेस। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अगर इन गैसेस में दो गैसेस लिए उन्होंने, उनमें रेट भी उन्होंने मान लिया कि आर वन आर टू है, और इनकी डेंसिटी क्या मानी? डी वन डी टू, डी वन एंड डी टू क्या है इनकी? बी देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटीज। देन अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉस ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या आ गया ये? आर वन ओवर आर टू। इन्होंने क्या बोला कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस हैं ये क्या हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वेयर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, स्क्वेयर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। मतलब आर वन डी वन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और आर टू डी टू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्या है इनका? स्क्वेयर रूट है। तो स्टेटमेंट क्या निकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग? और इसका टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है इसका? कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बनी इसकी? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस
आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट्स ऑफ, रूट्स ऑफ देयर डेंसिटी, देयर डेंसिटीज़। ठीक है, और दूसरा क्या दिया इन्होंने, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा अगर मोलर मास है। अगर मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, उसको क्या बोला इन्होंने, मोलर मास बोल दिया। फिर जैसे आर वन आर टू, अब यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए इसके लिए। टू ट्वाइस ऑफ डेंसिटी, ट्वाइस ऑफ डेंसिटी वन और टू, ठीक है, और इनका, इनको क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर मास टू और मॉलिक्यूलर मास वन, और ये स्क्वायर एम वन एम टू क्या आ गया इसका, मोलर मासेस ऑफ गैसेस ए वन एंड ए टू। और ग्राहम्स लॉ को दूसरी तरफ से, दूसरी साइड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब इस बेस पे भी हम स्टेटमेंट दे सकते हैं इसकी, क्या लिखेंगे, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, की जगह आ जाएगा मोलर मास, और सारा सेम रहेगी इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।